पाकिस्तान का जो तिरंगा है, अगर इस तरीके से हमारे तिरंगे की अपमान किया जाएगा, और अभी तक इन तीनों जो कि यहाँ पर तीनों का नाम अच्छी तरीके से लिखा गया है, इन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया है। यहाँ पर इस बूटे को जो है यहाँ पर उखाड़ दिया गया है, क्या इस तरीके से हमारे ग्राम पंचायतों का विकास होगा? तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने इस चीज़ को रखूँ कि किस तरीके से घोटाले पे घोटाले होते रहते हैं। इतनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है हिंदुस्तान का, इस पर तिरंगा लगाया गया है और तीन कलर है इस पे, और ये बिल्कुल दो साल में ऐसा हो गया है, अगर इसको हम हिला कर देखेंगे ना तो ये हिल जाएगा। देखो ये पूरा हिल रहा है। नमस्कार मित्रों, आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रुदहना गंगूसी गाँव में, और आज मैं कुछ भ्रष्टाचार को दिखाने की कोशिश करूंगा, जो पाताल लोक वाला विकास है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये है हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा कि अमृत सरोवर है, जो कि 75वें आज़ादी के महोत्सव पर बनाया गया है, और इसको 2 साल अभी लमसम नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से 2 साल भी नहीं हुए हैं अच्छी तरीके से, और आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। ठीक है मित्रों, तो और अभी आप मैं आपको अभी इसके अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि परमानंद रावल जो कि रोजगार सेवक हैं इसके, दीपक कुमार सिंह सचिव हैं, संतोष कुमार साक्य जी प्रधान हैं इस गाँव के, और बाहर से तो इनका नाम तीनों का बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, दिख रहा है तीनों का नाम दिख रहा है, और अंदर की व्यवस्था जो है, अंदर का जो जो है भ्रष्टाचार है जो भी है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ की स्थिति देखिए, इस पर देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है हिंदुस्तान का, इस पर तिरंगा लगाया गया है और तीन कलर है इस पे, और ये बिल्कुल 2 साल में ऐसा हो गया है, अगर इसको हम हिला कर देखेंगे ना तो ये हिल जाएगा। देखो ये पूरा हिल रहा है यहाँ से, ये पूरा हिल रहा है, इसको अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। आप इसको इसकी स्थिति देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का जो तिरंगा है, अगर इस तरीके से हमारे तिरंगे की अपमान किया जाएगा, और अभी तक इन तीनों जो कि यहाँ पर तीनों का नाम अच्छी तरीके से लिखा गया है, इन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया है। अभी मैं अंदर की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आइए मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि अंदर एक बार दिखाएं। और अभी 36 लाख कुछ करोड़ ऐसे पेड़ पौधों को लगाने की कोशिश हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ ने की थी, और अभी आप उसका पाताल लोक वाला जो विकास है वो देख सकते हैं। अभी देखिए ये बूटा है, ये बूटा देखिए आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से लगाया गया है यहाँ पर, और क्या बोलते हैं कि डीएम साहब भी यहाँ पर अधिकारी साहब आए होंगे और उन्होंने इसको लगवाया होगा। अब ये थोड़ी है कि आप लगाकर इसको छोड़ दोगे, उसको बाद में आपको देखना नहीं है, इसको देखना भी तो होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गेट है इसका वो उस पर हर समय मैं यहाँ से गुजरा हूँ जब भी, तो उसको देखोगे तो आप उस पर ताला ही लगा रहता है। और यहाँ पर देखिए कुछ ये एक बूटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस बूटे को जो है यहाँ पर उखाड़ दिया गया है, क्या इस तरीके से हमारे ग्राम पंचायतों का विकास होगा? मित्रों आप एक बार इस चीज को अपने द्वारा भी बताने की कोशिश करेंगे, और मैं क्योंकि हालांकि मैं इधर कम ही रहता हूँ, तो इधर मैंने देखा तो यहाँ की स्थिति मेरे को जर्जर लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने इस चीज को रखूँ कि किस तरीके से घोटाले पे घोटाले होते रहते हैं। तो आइए इधर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पूरी दीवार यहाँ से जो गिर गई है आप देखेंगे, तो यहाँ से पूरी दीवार यहाँ पे गिर गई है, इसको ना ही तो प्रधान जी ने, ना ही सचिव ने, ना ही रोजगार सेवक ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है अभी तक। और आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति बढ़िया तरीके से टूट गई है दीवार, और अभी तक इसको ठीक कराने की, मरम्मत कराने की कोशिश नहीं की गई है, रोजगार सेवक ने, ना ही यहाँ के प्रधान ने, ना ही यहाँ के सचिव ने अभी तक कोई कोशिश नहीं की है। और मैं आपको इधर ये वॉकिंग एक ट्रैक होता है जो कि इस पे चल सकते हैं, हम अपना वॉकिंग कर सकते हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घास जमी हुई है, किस तरीके से पार्क में क्या चीज़ है, और झूले जो कि बच्चों को झूलने के लिए लगाए जाते हैं ग्राम सरोवर में, जो अमृत सरोवर पीएम मोदी के द्वारा एक बढ़िया बहुत चलाई गई थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसकी झूले की स्थिति है।
कितनी दर दर तरीके से इसको दिखाया, देख रहे हो आप खुद देखो इस चीज को, झूला यहाँ पर पड़ा है, ये इसका एक निकला हुआ है, ये किस तरीके से बच्चे इसको झूलेंगे, यहाँ पर पूरा एक झूला भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ से गायब है। अब इसको क्या किसकी जिम्मेदारी मानेंगे आप, क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? प्रधान और सचिव के द्वारा, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना हम इन पे भरोसा कर सकते हैं और कितना क्या इनके इन पे अपना भरोसा जता सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आगे भी आपको भ्रष्टाचार दिखाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।